দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে মঙ্গলবার রাত 12টা থেকে দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার রাত 8টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে 21 দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছেন তিনি। করোনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে দেখছেন, শুনছেন, দেখছেন দুনিয়ার সব থেকে শক্তিশালী দেশকেও অসহায় করে দিয়েছে এই ভাইরাস। এই দেশগুলি চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছে না। করোনায় প্রথম 1 লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন 64 দিনে, পরে লক্ষ মানুষের সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র 11 দিনে, তৃতীয় 1 লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র 4 দিনে। তিনি আরও বলেন, এই এক লকডাউনের আর্থিক মূল্য চোকাতে হবে। 21 দিনে সংযত না হলে দেশ ও পরিবার 21 বছর পিছিয়ে যাবে। তার ভাষণে বলেন, লকডাউন ঘোষণা করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। হেলথ সেক্টরকে এক্সপার্টস और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।